आप लोग को तो पता ही होगा कि रशिया और यूक्रेन के बीच में काफी भयंकर फाइट चल रही है, और ट्रंप जी जो है वो यूक्रेन का साथ दे रहे हैं, यानी कि रशिया के अगेंस्ट है। तो वैसे WWE भी USA में सिचुएटेड है, तो उन्होंने एक स्टेप उठाया है अगेंस्ट रशिया। WWE ने रशिया के सारे ब्रॉडकास्टिंग टीम के साथ अपने रिलेशंस कैंसिल कर दिए हैं, सारे बिजनेस कैंसिल कर दिए हैं। यानी जितने भी WWE के शोज होते हैं, जैसे रॉ, स्मैकडाउन, रेसलमेनिया, लाइव इवेंट्स, पेपर व्यूज, जो भी, मतलब वो सब कुछ रशिया के साथ भी कैंसिल हो चुका है। रशिया अपने फायदे के लिए WWE को बहुत सारे मतलब स्पॉन्सर्स कराती थी, बहुत सारे पैसे देके, लेकिन WWE ने वो सारे भी कैंसिल कर दिए हैं। यानी कि कभी भी वो पेपर व्यूज या कुछ भी चलेगा तो रशिया से रिलेटेड कुछ भी चीज़ वो प्रमोट नहीं करने वाले। तुम लोग को नहीं लगता कि गवर्नमेंट को ऑनलाइन कर देना चाहिए स्कूल वगैरह? क्योंकि वैसे भी वॉर वगैरह चल रही है, तो थोड़ा फायदा होना चाहिए यार। और शायद कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये जो वॉर वगैरह चल रही है तो अमेरिका पे भी इम्पैक्ट आ जाए, जिसकी वजह से WWE को अपने पेपर व्यूज वगैरह पेंडिंग पे डाल देने पड़े। मतलब चीजें खराब हो सकती हैं, काफी कुछ हो सकता है। बट आगे के अपडेट्स के लिए मिस्टर रेसलर को कर दो सब्सक्राइब। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से।